और अब आरसीपी सिंह क्या करेंगे, ये सवाल जब से आरसीपी दिया है इस्तीफा देने के बाद से अब बिहार के सियासत में काफी सवाल उठने लगे हैं कि जदयू में अब आरसीपी सिंह की क्या भूमिका होने वाली है, आरसीपी सिंह क्या करेंगे, सदस्य के तौर पे रहेंगे या फिर उन्हें कुछ जिम्मेदारी देंगे नीतीश कुमार। इस पर जब सवाल किया गया तो इस जवाब दिया है ऊर्जा मंत्री, जेडीयू के वरिष्ठ आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री पद के से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह की जेडीयू में क्या भूमिका होगी, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आरसीपी सिंह की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे। साथ ही बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कई अन्य मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत चर्चा होती है, होता वही है जो होना चाहिए, तो जो हुआ उसी पर कमेंट न होगा। में सब बराबर हुआ करते हैं, जो भी मेंबर बनता है और जो सीनियर है सबका मान बराबर है। हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछेगा तो उनसे ना पूछिएगा भाई, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपका मंतव्य क्या है? हमारा कोई मंतव्य उस पर नहीं है, पार्टी निर्णय करेगी। व्यक्तिगत झगड़ा नहीं होता है किसी का, व्यक्तिगत झगड़ा राजनीति में लोग एक दूसरे। अब आंधी तूफान आ जाता, ये मौसम सबसे ज्यादा बिजली के खतरनाक मौसम होता है पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ तूफान आता है, बारिश होती है, कुछ कठिनाइयाँ होती है, बारिश हो जाती है, तो ऐसा बिग प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी होता है नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। वातावरण देवी देवताओं का तो है, लोग सबके पक्षधर लोग हैं, आपस में लोग करें किसी की पूजा करें, उनको मान्य सम्मान देने के लिए। जेडीयू के जनता दरबार में परिवहन मंडल का बयान सामने आया ना हो, पीला मंडल जो लगातार यही कहती आई है कि बिहार को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विभाग जनता के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑटो और बसों को सीएनजी में कन्वर्ट करने का जो फैसला लिया गया है उसके लिए 7.5 लाख की राशि की मदद की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि पटना, राजधानी पटना में यह आ चुका है कि जितने भी डीजल वाले ऑटो और वाहन हैं, यानी कि बस हैं, वो अब सीएनजी में जल्द से जल्द कन्वर्ट हो जाए ताकि बिहार में प्रदूषण, यानी कि बिहार की राजधानी में भी प्रदूषण ना फैले। आपको ये भी बता दें कि इसका लगातार विरोध भी किया जा रहा था, कई ऑटो चालकों का कहना था कि वो